Khan, this is Umar Khan with another vlog. Right now, मैं पहुंच गया हूँ दुबई, अबू धाबी बेसिकली. कल मैं दुबई की तरफ निकल जाऊंगा रात को, लेकिन जिस एस्पेक्ट के लिए मैं लेके आया हूँ कि मेरे पास 3 दिन की छुट्टियाँ थी, तो मैंने सोचा अपनी फैमिली को लेके आके फरारी वर्ल्ड, क्योंकि मेरी ड्रीम थी एक दफ़ा. तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं जिन लोगों ने फरारी वर्ल्ड नहीं देखा होगा, ठीक है. तो आई होप यू विल एंजॉय, और मैं जितना कवर कर सकूंगा, क्योंकि आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू लाइक कवर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग फॉर यू, ताकि आप लोग कभी भी इधर आओ तो आपको भी आके यहाँ पे उतना ही मजा आए. सो वेट फॉर टुमारो. अभी मैं जा रहा हूँ या साइलेंट रोहताना, जो कि बिल्कुल फरारी वर्ल्ड के सामने मैंने अपना होटल लिया है, और उसके बल्कि इवन के व्यू भी कमरे से इस तरह है कि आप जिस खिड़की खोलते हो तो सामने आपको सर्किट नजर आता है जिस पर रियल रेस होती है. तो वो भी अभी मैं आपको जाकर दिखाता हूँ. बेसिकली आई एम नॉट अलोन, आई एम विद माई फैमिली, सो आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो ताकि कल आप लोगों को विजिट करवा सकें. स्टे ट्यून्ड, बाय बाय. एयरपोर्ट पास ही है ना ये, एयरपोर्ट आ रही है या साइलेंट. ये मेरा होटल है. कितने हो गए? या साइलेंट रोहताना. हेलो एवरीवन, दिस इज अ 4-स्टार होटल यास आइलैंड रोहताना. सो हम लोगों ने बुक कर लिया था, और बेसिकली मैं शुरू से अभी तक यही कहता आ रहा था कि मुझे बैल्कनी वाला व्यू चाहिए जिस पे सर्किट भी है, जो रेसिंग सर्किट होता है. वो मेरी ड्रीम थी एक चीज़ की. बेसिकली इट्स नॉट अ 5-स्टार होटल, जो कि फरारी वर्ल्ड में जिस तरह से, मेरा इतना बजट नहीं था, मेरा 4-स्टार का बजट था. सो दैट्स व्हाई टू दिस इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव वन. वो देखो सबसे आखिरी वाला कमरा मेरा, जो बिल्कुल सर्किट के सामने बना हुआ है. सो दिस इज अ रूम. और ये सामने फरारी वर्ल्ड, दिस इज द बालकनी व्यू. ये सामने सर्किट वाली जगह है, वो फरारी वर्ल्ड, और उसके बाद जो फेमस वो जो है रोलर कोस्टर राइड. It's 9:30 AM in the morning, and right now I'm standing in my balcony. और सामने F1 cars जो हैं वो test runs अपने मार रही हैं. View होता है ऐसा यार, trust me it's beautiful. सुबह उठते साथ ही आपको ऐसी आवाज़ें आएँ, दिल चीर देने वाली आवाज़ें. ये ब्लू बस यहाँ से निकलेगी, जो कि आपको फरारी वर्ल्ड में लेके जाएगी. ब्लू बस याद रखिएगा, ब्लू बस 3rd स्टॉप होगा. ब्लू बस सो ये बस लेनी है, ब्लू कलर की ऊपर पट्टी लगी होगी, और आप फरारी वर्ल्ड या स्मॉल फरारी वर्ल्ड का कह के आप चल जाओगे. यहाँ से पेंटेंट रहोगे, ऊपर वाली जगह से गुजर के आप उस साइड पे फरारी वर्ल्ड चल जाओगे. सो दिस इज द फरारी वर्ल्ड एंट्रेंस. और सामने वो जो GTC 4 नई वाली आई है, मेरा ख्याल ये वही है. लेट मी सी, हाँ GTC 4 ब्यूटिफुल हैच है, हैचबैक है. सब यहाँ पे आप फरारी वर्ल्ड में एंटर हो गए. यहाँ से ये पीछे नाका क्रॉस किया हमने, बड़ा ही सख्त किस्म का बंदा था, और उसके बाद अब हम यहाँ पे आ गए. ये जेम्स बॉन्ड वाला वर्जन याद होगा आपको, मूवी में आया था. और यहाँ पे आपको इस तरह की ड्रामेबाजी मिलेगी, ग्रीन कपड़ा, उसके आगे आप अंदर बैठे और आप शो करेंगे दुनिया को, माई गॉड हम तो चूतिया बना रहे हैं सबको, हमारे पास तो फरारी रही है. और मैंने और ये यहाँ से आप अपनी चीज़ें वगैरह लें, पिक्चर्स डेवलप करवाएं. और वो खड़ी है, मेरा ख्याल है पोर्टोफिनो है. हाँ पोर्टोफिनो है. ब्यूटीफुल यार, बहुत स्लीक डिज़ाइन इन्होंने उसके टाइप का दिया है, टोयोटा सुप्रा के टाइप का, क्योंकि मैं टोयोटा सुप्रा का ज़्यादा फॉन्ड हूँ. तो ये देखो सीन,
ब्यूटीफुल। वो पिछली वाली जो आपको दिखाई थी उसकी डबल लाइट से, और ये सिंगल वाली है। बस इसके तवे टूल लगने वाला है इसको, और कोई इशू नहीं। अंकल रोसा की पहचान की गाड़ियाँ, और ये रियल वंस है जो कि थोड़े से मॉडल्स पुराने हो गए हैं, इसलिए इन्होंने इधर पार्क कर दी हैं। यार मुझे एक चीज़ समझ आती है, इतनी लाइट गाड़ियाँ बना किस तरह देते हैं। आप ये देखो ना, इसके अंदर शॉक्स हैं, ठीक है, कमानी स्टाइल पुराना जो होता था। और ये कमानियाँ भी याद रखना, अगर आप इसकी कभी हिस्ट्री पढ़ी हो तो ये आता है कि ये कार्बन फाइबर मेड होती हैं। सेकंडली आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि ब्रेकिंग्स के लिए, इनके तवों को ठंडा रखने के लिए, अगर आप इसकी यूट्यूब पे हिस्ट्री पढ़ो, ये रखो, तवों को ठंडा रखने के लिए अंदर स्पॉकटर्स के थ्रू हवा पड़ती रहती है उनको। गाइस ये पहिया उतार के चेंज करने का जो सबसे फास्टेस्ट इस अगर टाइम ट्रैक आया वो 28.1 आया। हमारा तो अपना, अगर आज हम पूरा दिन पहिया ही चेंज करते हैं तो चलो अब हम भी देखेंगे हमारा टाइम क्या आता है। तो ब्यूटीफुल म्यूजियम, और दैट्स F12 TRS GTC 4, ये वाली खड़ी हुई है। और ये तो बचपन में सारी ज़िंदगी रिमोट से चलाते रहे हम। और वो लाफरारी खड़ी है, मेरा ख्याल है ये है 14 मॉडल, मेरा ख्याल है शायद, हाँ 14 मॉडल है लाफरारी। और ये है 11 मॉडल लाफरारी, ये कॉन्सेप्ट कार थी, ठीक है। और ये इसका मुझे पता नहीं, लेकिन क्योंकि मेरे पास रिमोट कंट्रोल कार थी ये वाली, इसलिए 348 TS। अच्छा मुझे इसका पता नहीं था। ह्यूज ये ट्रक्स हैं जिनमें हमारी फॉर्मूला कार्स जाती हैं। उस साइड पे फूड कोर्ट है सारा। सेक्शन डी से आप नीचे जाएंगे राइड लेने के लिए, जब रोलर कोस्टर की राइड लेनी है। वो लाइन लगी हुई है सारी, ये सारी लाइन है, तकरीबन कोई 3-3.5 घंटे की लाइन है। अगर आप फरारी वर्ल्ड आए हैं और आपने रोलर कोस्टर राइड नहीं आती ली ना, तो फिर आने का फायदा ही नहीं है। गो कार्टिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं मजे की। ये रखो, ये सही ड्राइवर आ रहा है, ये ना करी हरकत ना गई, सही है। गुड गुड गुड, ड्रिफ्ट आउट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड। ये आप 85 दिरहम्स दें और 1.5-2 मिनट के लिए आप गाड़ी चला सकते हैं। और आप ये बेसिकली सिर्फ वो है, यानी कि वर्चुअल आर्ट्स के ऊपर है, ठीक है ना। ब्यूटीफुल यार, बहुत बड़ा। और हाँ मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ कि अभी मैं आ रहा था वहाँ से, तो 1100 दिरहम एक था और 950 दिरहम एक था कि आपको 20 मिनट्स के लिए वो गाड़ी फरारी वर्ल्ड से निकालने देंगे, ठीक है। इट एक थी स्पाइडर और दूसरी 458 इटालिया थी मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं है, कोई 2 घंटे पहले की बात है। खैर दो गाड़ियां थी उनके पास, एक थी 950 की और एक थी 1150 दिरहम की। तो आपको वो निकालने देंगे, आप पर्सनल लेवल पर खुद जाके 20 मिनट में गाड़ी चला के वापस आके खड़ी कर सकते हो। तो इस जगह पे आके मैं वीडियो अब ख़त्म करता हूँ। आई होप कि मैं आपको जितना भी वीडियो फीडबैक्स दे पाया हूँ, आप लोगों को मज़ा आया होगा इस चीज़ का देखने का भी। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार मुझे चीज़ लगी वो लगी रोलर कोस्टर, वो आके लाजमी लें। और कोशिश करें वैसे कि 10-10:30 बजे तक पहुँचे यहाँ पर, मैं थोड़ा लेट आया था 12 बजे तक, तो वो मत करें क्योंकि उससे लाइन्स वगैरह पर बहुत लंबी क्यू हो जाती है।
क्यों हमें तकरीबन मुझे 3 घंटे की मिली, मैं थक भी उसी वजह से गया, और दूसरा क्योंकि रोलर कोस्टर के बाद जो है बीपी डाउन हुआ है मेरा। तो बाकी आई होप कि मैंने कवर अच्छा किया होगा, आपको दिखाया अच्छा। थैंक यू, बाय बाय।